मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष श्रीवास्तव, आई टीच यू कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट चैप्टर 7। चैप्टर 7 इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड एंड मॉनिटर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माउस। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इट मूव्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन ऑन द मॉनिटर। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि माउस इज ए इनपुट डिवाइस। इट हेल्प अस टू मूव द डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी सहायता से हम डिफरेंट डायरेक्शन पे मूव कर सकते हैं। माउस की हेल्प से आप देखते हैं कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जब भी आप माउस को देखते हैं तो एक ऐसे जैसा बना हुआ होता है, इस तरह से माउस आपका बना हुआ होता है और आपके मॉनिटर पे ये ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। तो क्या देखते हैं आप, जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहें, लेफ्ट राइट अप डाउन, हर डायरेक्शन में ये क्या होता है, मूव होता है। माउस हर थ्री बटन्स, माउस के पास कितने बटन्स होते हैं, थ्री बटन्स होते हैं। कौन कौन से, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड मिडिल बटन। लेफ्ट बटन का यूज हम सिंगल क्लिक एंड डबल क्लिक के लिए करते हैं। लेफ्ट बटन का यूज हम किसमें करते हैं, सिंगल क्लिक या डबल क्लिक के लिए करते हैं। राइट बटन का यूज हम स्पेशल कीज के लिए करते हैं। जैसे मुझे कोई भी चीज़ जैसे डिलीट है, कॉपी है, पेस्ट है या ये सब करना है तो हम उसमें करते हैं, यानी कोई भी सब मेनू इंटर करने के लिए। मिडिल बटन का यूज हम अप एंड डाउन मतलब स्क्रॉल करने के लिए करते हैं, जैसे अप जाना है या डाउन जाना है, इस तरह से अगर मुझे स्क्रॉलिंग करनी है तो हम मिडिल बटन का यूज करके करते हैं। आइए आपकी बुक में देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, हैव यू सीन दिस एरो ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज द माउस पॉइंटर। इट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द मॉनिटर एज दैट ऑन माउस ऑन द माउस पैड। इट मीन्स व्हेन यू मूव द माउस टू लेफ्ट साइड द एरो विल आल्सो मूव टू लेफ्ट। जैसा अभी हमने आपको बताया कि यदि आपको लेफ्ट साइड डायरेक्शन में मूव करना है तो ये आपका पॉइंटर लेफ्ट हो जाएगा, अप में करना है तो आपका पॉइंटर अप में हो जाएगा। प्रेस एंड देन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस टू सेलेक्ट आर चूज एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। यदि मुझे स्क्रीन पे कोई ऑब्जेक्ट चूज करनी है तो हम लेफ्ट बटन का यूज करेंगे, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। हमने बताया था लेफ्ट बटन का यूज हम सिंगल क्लिक और डबल क्लिक के लिए करते हैं। तो सिंगल क्लिक करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या पिक्चर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन डबल क्लिक का यूज करके हम किसी भी पिक्चर्स को, ऑब्जेक्ट को या आइकन को ओपन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सिंगल क्लिक। जैसे अभी हमने बताया है कि प्रेस एंड देन लीव द लेफ्ट बटन ऑन द माउस टू सेलेक्ट आर चूज एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, सिंगल क्लिक। एक बार यदि हम लेफ्ट माउस बटन क्लिक करते हैं तो क्या बोलते हैं, सिंगल क्लिक। प्रेस एंड देन लीव द लेफ्ट बटन ऑफ माउस टू टाइम्स वेरी क्विकली, यानी बहुत जल्दी जल्दी दो बार क्लिक करते हैं, थ्री टाइम क्लिक करते हैं तो कार्ड द डबल क्लिक, क्योंकि हमने थ्री टाइम क्लिक किया है और वेरी क्विकली बहुत जल्दी जल्दी वेरी शॉर्ट टाइम में हमने दो बार क्लिक कर दिया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, डबल क्लिक। नेक्स्ट है, प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ माउस ओवर एन ऑब्जेक्ट एंड ड्रैग द माउस ऑन द माउस पैड टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। यदि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जानी है तो
तो भी हम लेफ्ट माउस बटन का यूज कर लेंगे। सपोज कोई फोल्डर है या कोई आइकन है और मुझे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसे मूव करना है, तो हम लेफ्ट बटन से पहले उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर लेफ्ट बटन को उसी पर उसी आइकन पे प्रेस करते हुए उसे ड्रैग कर देंगे और फिर जहाँ मुझे उसे ले जा करके रखना होगा वहीं पे हम उसे छोड़ देंगे। दैट मीन्स रिलीज कर देंगे। ओके, रिलीज कर देना मीन्स छोड़ देंगे। फिर वो क्या हो जाएगा कि वन प्लेस मूव टू अनादर प्लेस, इसको हम बोलते हैं कि वन प्लेस मूव टू अनादर प्लेस। किसी भी आइकन को किसी भी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू मूव अनादर प्लेस पे करने के लिए ड्रैग का यूज हम करते हैं, ड्रैग एंड रिलीज बटन का यूज करते हैं। ठीक, क्लियर? सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड यूज ऑफ माउस बटन। अब देखिए आपके वर्कशीट दिया हुआ है, वर्कशीट में आपका दिया है पेज नंबर 34 पे जो माउस से ही रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए फिरिंदी ब्रांड्स दिया है, फिरिंदी ब्रांड्स में ए दिया है माउस इन एंड डिवाइस। हमने बताया माउस इज एंड इनपुट डिवाइस भी होता है और पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। तो जब पॉइंटिंग डिवाइस बोलेंगे तो एंड का यूज नहीं करेंगे और इनपुट डिवाइस यदि बोलेंगे तो एंड का यूज करेंगे। यहाँ एंड लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। क्या होगा यहाँ, इनपुट डिवाइस। माउस इज एंड इनपुट डिवाइस। माउस इज कैप्ट ऑन, माउस कहाँ पे रखा रहता है, माउस किस जगह पे रखा रहता है, माउस पैड पर। माउस इज कैप्ट ऑन माउस पैड। क्या होगा, माउस इज कैप्ट ऑन माउस पैड। माउस हैज बटन, यहाँ हमने बताया माउस हैज थ्री बटन। माउस के पास कितने बटन होते हैं, थ्री। आपको क्या फील करना है, माउस हैज थ्री बटन। माउस इज कनेक्टेड टू सीपीयू, माउस किससे कनेक्ट होता है, सीपीयू से। माउस इज कनेक्टेड टू सीपीयू, मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ माउस ऑन माउस पैड। आप किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन मूव्स इन द माउस। यहाँ फील होगा माउस, माउस मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ माउस ऑन माउस पैड। आप माउस पॉइंटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ माउस ऑन माउस पैड। आप डिफरेंट डायरेक्शन में इसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेल द वर्ड्स, यहाँ देखिए एम ओ यू एस ई माउस, फिर एम ओ यू एस ई माउस पी ए डी पैड, फिर एस आई एन जी एल ई सिंगल सी एल आई सी के क्लिक डी ओ यू बी एल ई डबल सी एल आई सी के क्लिक। इस तरह से आप इसे अपनी बुक में फील कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ बुक। ओके, आपकी बुक में पीछे सारा दिया हुआ है, आप उसकी हेल्प से आप इसे पूरा फील कीजिएगा, राइट एंड लर्न, और इसे आप एक कॉपी में लिख करके लर्न कीजिएगा। ओके, क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू आप नेक्स्ट वीडियो इन सीपीयू। ओके।